आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। लास्ट वीडियो में भी या लास्ट टॉपिक में भी हमने जीएसटी के बारे में बताया। जीएसटी जो है दो प्रकार की होती है, जो कि इंट्रा और इंटर के नाम से है। इंटर में एक ही पार्ट है आपका, जिसे हम आईजीएसटी बोलते हैं, और इंट्रा के दो पार्ट हैं, जिसे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अब आपको मैं ये बता दूँ, वैसे लास्ट वीडियो में बता दिया था हमें कि इसकी एंट्री कैसे होती है, इसकी एंट्री कैसे होती है, इसकी एंट्री कैसे होती है, इसकी नहीं बताई, सॉरी, इसकी बताएंगे अभी। और किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगेगा वो इस वीडियो में आपको क्लियर कराया जाएगा। देखो, पहले तो पता होना चाहिए कि जीएसटी के स्लैब कितने हैं, मतलब पार्ट्स कितने हैं। हमारी सरकार द्वारा 5 कंडीशन जो है डिसाइड की गई हैं जीएसटी की, ठीक है। पहली, जिसे हम 0% बोलते हैं। दूसरी, जिसे हम बोलते हैं 5%। तीसरी, जिसे हम बोलते हैं 12%। चौथी, जिसे हम बोलते हैं 18%। और पांचवी को बोला जाता है 28%। तो ये जो टैक्स होते हैं, ये प्रोडक्ट के हिसाब से, गुड्स के हिसाब से लगते हैं। ऐसा नहीं है एक गुड्स पे कभी 18 लग रहा है, कभी 28 लग रहा है, कभी 12 लग रहा है, नहीं। जो गुड्स है उसकी कैटेगरी डिसाइड की गई होती है। बात कर लेते हैं जीरो परसेंट, यानी 0% टैक्स किस पे होगा। 0% में जो आपकी जो फ्रेश वेजिटेबल होती हैं, मैं नाम बता देता हूँ, या आपको यहाँ पर साइड में पिक्चर शो हो रही होगी, उसमें इन सभी के नाम लिखे गए हैं कि किस किस पे 0% जीएसटी लगता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास जैसे फ्रेश कोई भी चीज़ है, जैसे मिल्क है, बटर है, और नेचर हनी है, कोई फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल हैं, इनके ऊपर 0% है। ब्रेड हो गया फ्रेश आपका, ठीक है, और प्रसाद हो गया आपका, साल्ट हो गया, बिंदी हो गया, सिंदूर हो गया, स्टैंप हो गया, या जस्टिक पेपर हो गए, इनके ऊपर 0% जीएसटी है। और भी बहुत सारे, मैं सारे नाम पढ़ के सुनाऊंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो। फिर आगे बात कर लेते हैं हम 5% जीएसटी। 5% जीएसटी में क्या होता है, इसमें ज़्यादातर ये प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि इसमें भी जो होते हैं आपके गुड्स आते हैं, लेकिन वो पैकेज, जैसे जो आपके पास फूड, सॉरी, ऊपर भी फूड की बात हो रही थी, लेकिन वो फ्रेश फूड, जैसे वेजिटेबल हो गया, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, ये पैकेजिंग में है। जो आपके पास कोई फूड आपके पास पैकिंग में आ रहा है, तो उसको आप 5% टैक्स लगेगा उसके ऊपर। जैसे फोरजल मटर नहीं होते, वेजिटेबल हो गया, कॉफ़ी हो गया आपके पास, पिज्ज़ा ब्रेड हो गया आपके पास, रस है, कोका कोला, मेडिसिन, और आइसक्रीम, बायोगैस, बाकी आपको यहाँ पर साइड में पिक्चर हो रही हो, सो रही होगी, धूप बत्ती, अगरबत्ती, इन पे जो है आपका 5% जीएसटी लगेगा। अब बात कर लेते हैं 12% जीएसटी किस किस पे लगेगा। 12% जीएसटी जो होते हैं आपके, ये बटर पे हो गया, चीज़ पे हो गया, या घी जिसको आप बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट के ऊपर लगेगा आपका, एनिमल फैट, फ्रूट जूस के ऊपर जो है, भुजिया नमकीन जो है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, टूथपेस्ट, अगरबत्ती, कलरिंग बुक्स, पिक्चर्स बुक्स, एम्ब्रेला, इन पे आपका 12% जीएसटी लगेगा। और भी बहुत सारे हैं जो आपको यहाँ पर पिक्चर साइड में सो रहे होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं हम 18% जीएसटी की। 18% जीएसटी आपका ये लगेगा गुडविल के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका, बिस्किट्स जो होते हैं आपके, और सुगर्स जो होते हैं आपकी, पिस्ता, पेस्ट्री केक, जैम्स, सॉस, आइसक्रीम, फूड मिक्स, मिनरल वाटर, वाटर के ऊपर भी जीएसटी है जो कि 18% है, पानी के ऊपर जीएसटी, स्पीकर्स जो हो गए आपके, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे कैमरा, स्पीकर्स, हेडफोन, और आपके प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये आपके 18% जीएसटी में आएंगे आपके, जैसे कंप्यूटर वगैरह वगैरह हो गया आपके। 28% में क्या क्या आएगा आपका, 28% में आएगा आपका कोका कोला, नहीं थोड़ा गलत है ये, चॉकलेट्स जो होती है आपकी, और पान मसाला जो हो गया आपका, पेंट जो होते हैं, जो पेंट होते हैं, सेविंग क्रीम, और
हेयर शैम्पू, ड्रायर, सनस्क्रीन, वॉलपेपर्स, वाटर हीटर, डिश वॉशर, वेटिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेल्डिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, इनके ऊपर आपका 28% टैक्स लगेगा। बाकी आपको यहाँ पर साइड में पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें पूरी डिटेल दी गई है कि किसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में भी आएगा आपका और जनरल नॉलेज की भी बात है कि किस प्रोडक्ट पे कितना परसेंट टैक्स लगता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एंट्रीज़ के बारे में। यदि हमारे पास जीएसटी की एंट्री आती है तो उनको किस प्रकार हमने जनरल एंट्री में कन्वर्ट करना है। हमारे पास जीएसटी से संबंधित एंट्री आती हैं तो उसको किस प्रकार सोल्व किया जाएगा वो आपको बताऊंगा मैं। और इसमें आपको या तो ये लगा लो, जीएसटी के रूल लगा लो, जीएसटी की बेसिक टर्म लगा लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी एंट्री किस प्रकार होती है। यदि आप गुड्स परचेज कर रहे हो, क्या कर रहे हैं हम, गुड्स परचेज कर रहे हो आप एट जीएसटी पर, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने जैसे कि बताया जब आप परचेज करते हो, ठीक है, बात कर रहे हैं हम इंट्रा की, इंट्रा जीएसटी की बात कर रहे हैं हम। इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दो लगती हैं। तो जब आप परचेज करोगे, परचेज पे आपका इनपुट सीएसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी लगेगा, ठीक है, जो कि डेबिट होएगा परचेज करते टाइम। किस प्रकार मैं बता रहा हूँ, यदि आप कोई सामान परचेज कर रहे हो कैश में तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी और इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी और टू कैश से है तो कैश में और बैंक है तो बैंक, यदि क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का नाम भी लिख सकते हो, फिलहाल हम कैश मान रहे हैं, और अकाउंट कैश अकाउंट क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये आपका यहाँ पर कैश भी हो सकता है, ये यहाँ पर आपका बैंक भी हो सकता है, या यहाँ पर ये क्रेडिटर भी हो सकता है, राम मोहन सोहन, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यदि आप सोल्ड कर रहे हो गुड्स, सोल्ड कर रहे हो फॉर कैश लगा लो, सोल्ड गुड्स एट जीएसटी, जीएसटी की परसेंटेज यहां पर दी गई होगी आपको। तो यहां पर जब आप परचेज कर रहे थे तो इनपुट जीएसटी लग रहा था, जब आप सेल करोगे सामान कोई तो आउटपुट जीएसटी लगेगा, इसकी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, या तो कैश या बैंक या क्रेडिटर का नाम आ सकता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, टू सेल अकाउंट क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर और टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर, टू आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर। देखो सी जी एस टी से मतलब है सेंटर का टैक्स, एस जी एस टी से मतलब है स्टेट का टैक्स, यहाँ पर एक सामान के ऊपर दो टैक्स लगते हैं आपके पास और वो भी हाफ हाफ होते हैं। जैसे किसी सामान के ऊपर 12% टैक्स है तो 6% सी जी एस टी और 6% एस जी एस टी, ऐसे ना कि 12% होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि परचेज रिटर्न हो रही है, यदि मिटा दूं ये, तीसरा रूल है, यदि परचेज रिटर्न हो रही है क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है परचेज आपकी तो क्या होगा। तो यहां पर आपके पास देखो, जब परचेज रिटर्न होती है तो आपके पास क्या होता है,
हमारे पास कुछ नहीं होता, क्रेडिटर के पास सामान जाता है, या फिर यहाँ पर तो नॉर्मली आप क्रेडिटर ही मानोगे। मान लेते हैं कि 1,000 रुपये का सामान आपका आपने परचेज रिटर्न में कर दिया, तो यहाँ पर क्रेडिटर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मतलब यहाँ पर नाम आएगा किसी का राम मोहन सोहन, ठीक है, कितनी अमाउंट थी वो यहाँ पर आ जाएगी, टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर, और टू इसमें क्या होगा, इनपुट जीएसटी लगेगा, इनपुट SGST इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना परसेंट था, 6% 12% वो आप देख लेना, क्रेडिट एंट्री यहाँ पर टू इनपुट CGST क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर। देखो अभी थोड़ी देर पहले लास्ट एंट्री में इनपुट जो GST था वो डेबिट था और यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखो परचेज यहाँ पर आपकी जा रही है, परचेज के साथ ही इनपुट GST लगेगा, यदि परचेज डेबिट में है तो इनपुट GST डेबिट में जाएगा, अगर परचेज क्रेडिट में है तो इनपुट GST क्रेडिट में जाएगा। परचेज कहाँ पर है यहाँ पर, डेबिट में है क्रेडिट में, बताओ, क्रेडिट में है ना, तो इनपुट GST क्रेडिट हो रहा है, लेकिन लास्ट एंट्री जो अभी पीछे कराई थी उसमें इनपुट GST डेबिट था, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, ठीक है, यदि परचेज रिटर्न होगी तो उसके साथ में GST भी रिटर्न हो रही है आपकी। नेक्स्ट है ऐसी सेल रिटर्न पे, यदि सेल रिटर्न हो रही है तो सेल रिटर्न पे क्या होगा, अब देखो सेल पे GST आउटपुट लगती है, कौन सी लगती है, आउटपुट जो कि क्रेडिट होती है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, देखो आपके पास सेल रिटर्न आ रही है तो आप क्या लिखते थे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने का सामान आया वो यहाँ पर लिख दोगे आप, साथ में आउटपुट आउटपुट SGST डेबिट, देखो आउटपुट GST अभी लास्ट एंट्री में क्रेडिट था, यहाँ पर डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि सेल जो है वो डेबिट हो रही है, रिटर्न हो रही है, यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, आउटपुट CGST डेबिट अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, और टू टू डेबिटर यानी जिससे सामान आ रहा है, टू डेबिटर क्रेडिट अमाउंट यहां पर, हो गए 4 रूल कराए मैंने। अब आगे यदि आप कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हो तो क्या होगा, मिटा दो ये, परचेज एसेट्स, परचेज एसेट्स, यदि आप कोई एसेट्स परचेज कर रहे हो, कोई मशीनरी बिल्डिंग लैंड या कुछ ऐसी, तो इन पे क्या होगा, देखो आप परचेज कर रहे हो तो इनपुट ही लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा एसेट्स, एसेट्स में जैसे फर्नीचर मशीन, एसेट्स अकाउंट डेबिट अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, कितने का सामान खरीदा आपने, कितने की मशीन खरीदी, फिर लगेगा इनपुट इनपुट SGST डेबिट इनपुट CGST डेबिट अमाउंट यहाँ और टू कैश आ सकता है, बैंक आ सकता है या क्रेडिट भी आ सकता है, क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर। यदि आप कोई संपत्ति खरीदते हो तो उसकी एंट्री आपकी इस प्रकार बनेगी, मशीन खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग या लैंड खरीद ली, तो उसकी एंट्री ऐसे बनेगी, यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट आ जाएगा या फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा, मशीन अकाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट है यदि कोई एक्सपेंस आप पे कर रहे हो GST पे, यदि कोई एक्सपेंस पेड एनी एक्सपेंस, ठीक है, अब कई एक्सपेंस ऐसे हैं जिन पर GST लगता है, तो वहाँ पर सिर्फ एक्सपेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जैसे सैलरी हो गया आपका, ठीक है, इस पर लगता है आपका, सैलरी पे लगता है शायद, वेजिज पे लगता है, ये देख लेंगे किस पे लगता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जैसे द
10,000 रुपये या कुछ भी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, तो इस पर भी आपका इनपुट जीएसटी लगेगा, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट। और यहाँ पर टू कैश है तो कैश लिखेंगे या बैंक है तो बैंक लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट में अमाउंट यहां पर हो गया। यदि आप कोई इनकम प्राप्त कर रहे हो, कोई इनकम प्राप्त कर रहे हो किसी से, जैसे कमीशन रसीव आ गया आपका ऐसा कुछ, तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी जीएसटी की? रिसीव एनी इनकम, कोई इनकम आप प्राप्त कर रहे हो तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी? देखो, इनकम यदि कैश में प्राप्त करे तो कैश आएगा, बैंक में प्राप्त करे तो बैंक आएगा, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। टू टू कितना कमीशन हुआ, कितना कमीशन प्राप्त हुआ आपको, यहां पर आ जाएगा कमीशन रिसीव क्रेडिट अमाउंट यहां पर, और टू आउटपुट, आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट, टू आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट अमाउंट यहां, अमाउंट यहां, ठीक है। इनकम के ऊपर भी आपका जीएसटी लगता है। हो गया। फिर यदि आप ड्रॉइंग कोई गुड्स निकाल रहे हो निजी प्रयोग के लिए, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा, उस पर भी जीएसटी लगेगा। कल को एंट्री ऐसे आ सकती है कि विड्रॉ गुड्स बाय प्रोप्राइटर, ठीक है, किसकी एंट्री है ये, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, इसमें क्या होगा आपका ड्रॉइंग आ रहा है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। टू सामान निकालना, देखो गुड्स निकाल लिया तो परचेज आएगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट अमाउंट यहां पर, इसकी अमाउंट यहां पर, और परचेज के साथ क्या लगता है, मैंने बताया था इनपुट जीएसटी, क्या लगता है, इनपुट, इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट टू इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट, ठीक है। इस प्रकार की आपकी एंट्री बनेगी। होगी ये ड्राइंग वाली, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट, ऐसी एंट्री आपने पहले भी की है, बस ये चीज फालतू आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि आप एडवर्टाइजमेंट के तौर पर कोई सामान दे देते हो फ्री सैंपल के तौर पर, या आग में जल गया कोई सामान, या चोरी हो गया कोई सामान, ऐसी एंट्री की है ना आपने, तो क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा उस पर भी जीएसटी, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट, लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट यदि ऐसा हो तो इसमें लिखा जाएगा लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट डेबिट, ठीक है, अमाउंट यहां पर। टू परचेज अकाउंट क्रेडिट अमाउंट यहां पर, और टू इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट टू
इनपुट CGST क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट की भी ऐसी आएगी आपके। आगे यहां तक तो चलो ठीक है, अब तक की आपकी नॉर्मल एंट्री आ रही थी। आगे है सेटिंग ऑफ इनपुट GST अगेंस्ट आउटपुट GST या सेटल ऑफ GST अकाउंट भी लिख सकते हैं, सेटल ऑफ GST। इसमें आप CGST कोमा SGST, ठीक है, इनको सेटल कैसे करते हैं, सॉरी इनपुट और आउटपुट कैसे सेटल करते हैं। इसमें देखो, या तो आपके पास इनपुट ज़्यादा है GST या आउटपुट ज़्यादा है, उसको सेटल कैसे किया जाता है, उसको सेटल ऐसे किया जाता है, आउटपुट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST क्रेडिट टू इनपुट CGST क्रेडिट। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेटिंग हो रही है और जो बैलेंस बचेगा आपका, क्या बचेगा बैलेंस, वो आप पेमेंट करते हो गवर्नमेंट की। यहाँ पर इसकी एंट्री में ऐसा ही बोला जाएगा आपको कि सेटल द GST अकाउंट या पेड द बैलेंस GST, भाई बैलेंस GST है जो वो पे कर दिया हमने। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान रहे हैं आउटपुट GST हमारे पास 10,000 कितनी है, 10,000, और आउटपुट CGST हमारे पास ये भी 10,000 है, और इनपुट GST है हमारे पास 8,000 रुपये, ठीक है, और ये इनपुट CGST आपके पास ये भी 8,000 रुपये है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2,000 रुपये आपका CGST आ रहा है और 2,000 रुपये आपका SGST आ रहा होगा, ऐसे ही आ रहा होगा, टोटल कितना आ रहा है 4,000 रुपये। तो जो 4,000 रुपये है वो टू बैंक में आएगा, क्या आएगा, बैंक में यहाँ पर लिख सकते हो 2,000 प्लस 2,000, ठीक है, बैंक अकाउंट क्रेडिट 4,000, यानी जितना आपके पास फालतू GST आ रहा था एक्स्ट्रा, इतना तो आपने पे कर दिया दूसरों को, इतना आपके पास है, तो जो फालतू GST था आपके पास वो आप गवर्नमेंट को पे करोगे, ना कि पूरा का पूरा 10,000 आप पे कर दोगे। तो ये थी कुछ GST से संबंधित एंट्री आपकी। आशा करते हैं कि आप आज हमारा जो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा, और अगली वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर जनरल एंट्री की GST की, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एक बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं GST के साथ, कैसे उसमें एंट्रियाँ होती हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।